जिन लोगों ने IMC बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एक हमारे बीच में युवा लीडर जो एक स्टूडेंट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है जिसके बताएंगे अपने बारे में और मैंने सुना भी था 96% उनके मैथ के अंदर उनको अभी रूबरू कराने जा रहा हूँ एक बार जबरदस्त तालियों के साथ में हमारे क्रांतिकारी युवा लीडर मिस्टर रोहित जी शर्मा। मीटिंग बढ़िया किया है, मजे करने आए हैं। लाइफ बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो? आज यहाँ से एक डिसीजन लेके जाना दोस्त, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं पहली मीटिंग लेके आया था, पहले बात तो कुछ बोलने से पहले मैं अपलाइन राजीव जी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। तब मेरे भगवान जिन्हें मुझे इस बिजनेस में लाया, मेरे बड़े भाई रवि कुमार शर्मा के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम रोहित कुमार शर्मा है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और उम्र अभी 19 साल है। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था 18 साल की उम्र में। रीजन क्या था स्टार्ट करने का, पहले मुझे बताता हूँ। जब मैं 12th class के अंदर था, साइंस मैंने और की थी, मतलब जब की थी 11th के अंदर की, मैं साइंस फील्ड में जाऊँगा क्योंकि शुरू से क्लियर होता है, घर वाले बोलते हैं या तो बच्चा क्या बनना चाहिए, इंजीनियर या डॉक्टर। उसके अलावा कोई फील्ड माँ बाप बोलती ही नहीं चूज करने के लिए, कोई थोड़ी बोलता है कि CA बन जाए बेटा, मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। नहीं, बेटा अगर पैदा हुआ है तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो मेरे घर में भी यही था, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था या मेरे घर में किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग पावर के बारे में पता नहीं था। तो जब 12th का मैंने एग्ज़ाम दिया 92% आई, तो बाद में घर वालों को लगा जब साइंस में इतने अच्छे नंबर लाया है तो बच्चा इंजीनियर बन सकता है। उसके बाद दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं IIT का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने जब दिया पहली चांस में मैं हार गया, मैं नहीं मतलब उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने देखा चलो एक साल और ट्राई करता हूँ, एक साल और ट्राई किया, उसके बाद भी मेरे को हार ही मिली। क्योंकि जब मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए तो मेरे सेंटर के अंदर, बात हर इंडिया में हर कोने में एग्ज़ाम होता है IIT का, मेरे सेंटर के अंदर 1,00,000 लोग बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे, 1,00,000 लोग। और IIT की सीटें देख के मैं हैरान हो गया, मात्र 10,000 लोग ही IIT में जा सकते हैं एक साल में, और लोग मेरे सेंटर में कितने थे? 1,00,000। यानी इंडिया की बात हो तो करोड़ों लोग IIT का एग्ज़ाम देते हैं हर साल और निकलते कितने? 10,000। लेकिन आपको क्या लगता है 10,000 लोग बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं क्या? 10,000 हर बच्चों को इंजीनियर की और अच्छी सी ग्रेजुएशन के बाद डिग्री मिल जाती है, उसके बाद क्या महीने के 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं? लगता है आपको? आज के वक्त में बेरोजगारी की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इंजीनियर है। पहले इंजीनियर को पूछा जाता, अरे इंजीनियर है आपका बेटा? और अरे इंजीनियर है क्या? आज तो हर गली में इंजीनियर मिल जाते हैं। तो मेरा भी पहले पास इंजीनियरिंग में था, लेकिन जो मेरे ब्रदर ने सर ने जब उनको प्लान बताया MC का, उन्हें यूज किया, उन लोगों को बताया, तो उनके माइंड में एक बात सेट हो गई कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जब मैं IIT के एग्जाम के बाद मैं सोच रहा था क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्त सब जा रहे थे प्राइवेट कॉलेज, जिसका भी IIT में, सब प्राइवेट कॉलेज में चले गए। मैं देखा चलो मैं भी चल जाता हूँ, लेकिन मेरे ब्रदर ने मेरा माइंड वॉश कर दिया पूरा। एक मीटिंग ऐसी ऑफिस था IMC का, उस मीटिंग में मुझे बैठाया, लोग आए, लोग बोल रहे थे कोई इतने कमा रहा उतने कमा रहा, उसके बाद मेरे माइंड में एक बात तो सेट हो गई कि हाँ जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ही आप 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। आज एक अनपढ़ आदमी हो या कोई कितना कम पढ़ा लिखा आदमी भी महीने के 1,00,000 रुपये कमा सकता है। वो सेक्टर है, वो फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग। उस वक्त मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझ गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे, एक साल हुआ, पहले
जब स्कूल के वक्त में मेरे को क्या है बोलना नहीं आता था, अगर कोई प्रोग्राम होता तो मैं कोने में जाके बैठा था, मुझे लगता था, डर लगता था कि मुझे ना बुला दे आप। लेकिन आज इस बिजनेस से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो मैं बोलता हूँ मुझे कब बुलाएंगे। तो किसी भी स्कूल में किसी भी जगह आपको नहीं सिखाया जाएगा कि सेलिंग कैसे करनी है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, अपने अंदर इनर कॉन्फिडेंस, आप कैसे लोगों से बातचीत करना है, यहाँ पर आना कहीं भी आपको नहीं सिखाया जाएगा। ये ही इस इंडस्ट्री की पावर है, IMC की पावर है। उसके बाद द नेटवर्किंग मार्केटिंग समझा क्या होता है, लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। आज हर आदमी नेटवर्किंग कर रहा है, हर आदमी अनजाने ही सही लेकिन कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है नेटवर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, बिग बाजार का नाम सुना समझे, बिग बाजार रिलायंस क्या है, ये बिग बाजार क्या है, एक मॉल है, वहाँ पर क्या मिलता है, उनके घर की, आज उनके घर में अगर राशन खत्म हो गया तो कहाँ जाएंगे वो, किसी या बिग बाजार जाएंगे, रिलायंस जाएंगे, कहीं जाएंगे। आज मानते हैं आज ये सर के घर में राशन खत्म हो गया या कपड़े लेने जाने, कुछ लेने जाने हैं, वो जब उनकी मदर बोलती है चलो बेटा आज अपन को थोड़ी शॉपिंग करने जानी है, चलो बिग बाजार चलते हैं। कहाँ चलते हैं, बिग बाजार चलते हैं। वो सुबह सुबह 11-12 बजे बिग बाजार गए, जो भी जरूरत की सामान था, कपड़े हुए या फिर कोई भी कॉस्मेटिक आइटम्स हुए, पर्सनल केयर हुए, अपने किचन के आइटम्स, वो सब ले, जो भी इनको जरूरत थी वो सब उन्हें ट्रॉली में भर लिया। उसके बाद कहाँ गए, वो बिलिंग कराने, कहाँ पे, कैश काउंटर पे, कैश काउंटर पे बिलिंग करने के बाद जितना भी अमाउंट था वो दे दिया। उसके बाद उस जो लेडी थी या जो भी मैं कोई भी आदमी बंदा बंदी जो भी सेल्स काउंटर पे बैठा था उनसे बात पूछी सर से कि सर आपके पास मेंबरशिप है, क्या है, मेंबरशिप है, तो सर बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आज रिलायंस का एक कार्ड होता है, आप जानते हो कि मेट्रो है अपने, एक कार्ड आता है, उस मेट्रो उस कार्ड का क्या बेनिफिट होता है, क्यों बता रहे मेरे को क्या मिलता है उस कार्ड से, हम बनाते हैं उस कार्ड को डिस्काउंट के लिए, और भी कुछ फायदा मिलता है, डिस्काउंट तो मिलेगा ही, हर प्रोडक्ट की एमआरपी से डिस्काउंट मिल गया, एक पॉइंट्स देते हैं सर, वो पॉइंट्स देते हैं। आज हम मूवी देखने जाएंगे तो हमें बोलेंगे सर आप मेंबरशिप लेना चाहेंगे, हमें पॉइंट्स मिलते हैं मूवी देखने के, जितने हम मूवी देखेंगे अगर वो पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे तो अगर हम कोई एक मूवी देखने जाएंगे वो पॉइंट हमारे उससे डिडक्ट हो जाएंगे और हम एक मूवी फ्री में देख सकते हैं, होता है ऐसा। yes, तो सर यही उनसे पूछा आपके पास क्या है, मेंबरशिप है, बोला हाँ मेंबरशिप है, मेंबरशिप अगर उनने बताया कि मेरा मेंबरशिप कार्ड है तो उनने मैडम ने उनको एक बात बोली सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 500 पॉइंट्स मिले, क्या मिले, 500 पॉइंट्स मिले। तो सर बहुत खुश हो गए, बोले यार बढ़िया संडे का अच्छा दिन गया। फिर वो ट्रॉली लेके आगे गए घर जा रहे थे तो मैडम ने उनको वापस आवाज दी सर एक बार और एक अच्छी खुशखबरी देती हूँ आपको, अगर जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर वही काम आप 10 लोगों को बोलेंगे, यानी कि अगर जो आपने मेंबरशिप ली है वही अगर आप 10 लोगों को दिलवाते हैं और अगर वो कुछ भी हमारे बिग बाजार से कुछ भी लेंगे छोटा मोटा सामान, जो पॉइंट आपको मिले हैं वो पॉइंट इनको भी मिलेंगे, साथ में आपको भी ऐड होंगे। क्या यही नेटवर्क मार्केटिंग है, यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं अनजाने में ही सही लेकिन हमें पता नहीं है। सर IMC को हमने यही करना है, IMC में तो हमें यही करना है, हमें क्या पॉइंट्स मिलते हैं, yes. हमें डिस्काउंट मिलता है, yes. हमें मेंबरशिप मिलता है, yes. तो क्या चेंज किया हमने, क्या बदला हमने। अगर आज मेरे माउथ पब्लिसिटी से अगर एक छोटी सी दुकान इतनी बड़ी हो सकती है तो क्या आज आदमी अपने माउथ पब्लिसिटी से छोटा आदमी बड़ा नहीं हो सकता, सर ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। मैंने इस पावर को समझा और आज इस उम्र में 1,00,000 रुपए की इनकम लेना बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप 50 साल में जेगवा लेके आ रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 25 साल में अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो गए ना तो इंडिया आप पूरे जमाना से लूट करेंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो शक ही नहीं है हमें, बाकी बहुत अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत साल पहले पंचवर्षीय योजना आई थी, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना का नाम सुना था किसी ने, क्यों आई थी वो, बेरोजगारी मिटाने के लिए। पहले साल जब उस पंचवर्षीय योजना का पूरा सक्सेसफुल हुआ तो पहले साल पता चला कि इंडिया में 2 करोड़ लोग बेरोजगार, कितने,
2 करोड़, जब दूसरा साल हुआ तो कितने बेरोजगार निकले पता है? 13 करोड़। यानी कि बेरोजगारी घटी नहीं, क्या हो गई? बढ़ गई। जब तीसरा साल पंचवर्षीय योजना का देखा गया तो लगभग 50 करोड़ बेरोजगार निकले, और अभी 2-3 साल पहले जब उसका देखा गया तो लगभग 90 करोड़ लोग बेरोजगार थे। यानी कि कोई सी योजना आ जाए दोस्त, बेरोजगारी कभी घटने वाली नहीं है, बढ़ेगी। यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी का कारण बढ़ना है तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसको खत्म करने के लिए क्या हमारे पास कोई रास्ता है? IMC तो है, उसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी फील्ड में जाओ, अगर 10 वैकेंसी निकली गवर्नमेंट जॉब की तो 1 लाख लोग भर देंगे, तो क्या बाकी के लोगों को क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो गए ना। आज हर साल इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन इंजीनियर जो निकलते हैं 90 लाख एक साल में निकलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर निकलते हैं एक साल में। क्या 90 लाख लोगों को ग्रेजुएशन के बाद क्या वो जो मिलना चाहिए लाइफ में, जितना वो लगा रहे हैं क्या उतना पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं। आज इंजीनियर की एक होता है कि भाई महीने के लाख रुपये कमा पाए, यहाँ 10,000 नहीं मिल पा रहे आज। तो सर आप जॉब करो कुछ भी करो, लेकिन जो हमें लाइफ में चाहिए वो IMC दे सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है। जिसने ये बात यहाँ डाल ली वो आज IMC में आगे है, और जो जॉब के पीछे भाग रहा है, क्योंकि इंडिया में आज दो ही बहाने लोगों के पास, समय नहीं है या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो 10 साल से कर रहा है, हाँ मैं कर रहा हूँ तैयारी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं कुछ। 10 साल अगर हम एक फील्ड में दे रहे तैयारी करने के लिए, अगर हम 5 साल IMC में दे देंगे तो हम कहाँ मिलेंगे? तो बहुत सर अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको कीजिए, सपनों करने का अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा बिजनेस है। क्योंकि इस 2 साल के सफर में मैं IMC से लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमा चुका हूँ, और जो बाइक मेरे पास है एक 6 लाख की, 20 लाख की। क्योंकि स्टूडेंट इस बाइक जब देते हैं ना घर वाले तो लगता है यार घर वाले में बाइक दे दी, लेकिन जब खुद के पैसों से कुछ खरीदते ना तो उसका अलग ही मैंने 10 क्लासमेट को प्लान दिया था एक साथ, मेरे साथ एक ही बंदा बैठा है, उसके बाद मैंने देख लिया कि यूथ का जो सपना है वो खत्म हो चुका है, यूथ पागल हो चुका है, जॉब के लिए जॉब 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 चाहिए, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी है ही। अभी मैं मेरी एक टीम है झारखंड के अंदर, लगभग 500 टीम है झारखंड में, और वो पूरे यूथ है, सब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंड सेट हो चुका है IMC में। तो आप भी अपना माइंड सेट कीजिए, डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए जैसे हमने चेंज की। गुड IMC।